हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की गवर्नमेंट टू सिटीजन पहल के तहत रोजगार विभाग के वेब पोर्टल का अनावरण किया। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की गवर्नमेंट टू सिटीजन पहल के तहत रोजगार विभाग के वेब पोर्टल का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्र के कामकाजों को रोजगार विभाग के माध्यम से जोड़कर एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, जिससे संगठित एवं असंगठित नियोजकों को आपसी सामंजस्य से रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि यह वेब पोर्टल युवाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इसके माध्यम से बेरोजगारी भत्ता मिलने के साथ साथ पंजीकरण, नवीनीकरण, व्यवसायिक मार्गदर्शन, रोजगार मेले आदि सभी सुविधाएं मिलेंगी। जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए और उनके रोजगार के लिए उनको एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिसमें सारा उसमें रजिस्टर हो सके और जो दोबारा मान लो एक नौकरी 15,000 की कर रहा है तो दोबारा अगर कोई नौकरी करना चाहे तो वो भी इस पोर्टल पर रजिस्टर करे। इस दौरान अनूप धानक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर SMS की सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएं, जिससे युवाओं को पूरी जानकारी मिलनी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग के सक्षम पोर्टल को भी इससे जोड़ा गया है, इस प्रकार सक्षम युवाओं की सेवाएं भी इस पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से मिलेंगी। विशेषकर सक्षम युवाओं को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाने में कारगर रहेगी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं विभागीय अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पेपरलेस एवं डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में सराहनीय कदम है। इस प्रकार की अन्य सुविधाएं आज इनॉग्रेशन हुआ है और उससे निश्चित रूप से युवाओं को फायदा होगा, प्रदेश को, पूरे प्रदेश का फायदा होगा। मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे जो डिप्टी सीएम साहब की सोच थी उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। सारे अधिकारियों ने मिलजुल करके इसका पोर्टल का जो इनॉग्रेशन कराया है उसके लिए विशेष रूप से सभी का धन्यवाद। इस दौरान अनूप धानक ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति को कौशल प्रदान कर उसकी इच्छा अनुसार रोजगार मुहैया करवाए जाए। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण के साथ साथ ऋण मुहैया करवाने की भी सुविधा प्रदान की जाए, साथ ही युवाओं को निजी संस्थानों में नियुक्ति दिलवाने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।